हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा व्यू में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, डी फार्मा एग्जिट एग्जाम के बारे में बताने वाला हूं। इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे डी फार्मा एग्जिट एग्जाम क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी इसकी, ठीक है। उसके बाद आप लोग कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाओगे एज अ फार्मासिस्ट के लिए, पूरा प्रोसीजर क्या है, एग्ज़ाम कब देना होगा, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स हैं, 2020 और 2021 की जो सेशन है जिसमें उन्होंने एडमिशन लिया है, तो उनको क्या एग्ज़ाम देना होगा और इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है। इसके बाद मैं आपको पूरा का पूरा एक डायग्राम के थ्रू, एक चार्ट डायग्राम के थ्रू बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी हम इस वीडियो में ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा डी फार्मा एग्जिट एग्जामिनेशन क्या है। डी फार्मा एग्जिट एग्जामिनेशन वो है, पहले क्या होता था कि जब आप लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट कर लेते थे, अपने डी फार्मा जो भी आप लोग कंप्लीट कर लेते थे, ठीक है दोस्तों, डिप्लोमा इन फार्मेसी, तो जब आप पहले डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट कर लेते थे तो आपको जो है लाइसेंस ऐसे ही मिल जाता था। जो भी आप लोग लाइसेंस लेते हो डॉक्टरी चलाने के लिए, ठीक है, एज एक फार्मासिस्ट बनने के लिए आप लोग लाइसेंस लेते हो, आपको ऐसे ही मिल जाता था। लेकिन 24 फरवरी 2022 से क्या हुआ, एक नया नियम आ गया डी फार्मा एग्जिट एग्जामिनेशन का। तो इसमें यह बोला गया कि डी फार्मा एग्जिट एग्जामिनेशन उन बच्चों को देना होगा जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी करते हैं, यानी कि जो 2 साल का कोर्स करते हैं, ठीक है दोस्तों। जो भी बच्चे 2 साल का कोर्स करते हैं उनको अब डी फार्मा एग्जिट एग्जामिनेशन देना होगा। अब देखिए, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, इसकी ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी गवर्नमेंट को, इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। देखिए, इसके ऑब्जेक्टिव इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी क्योंकि एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूव करना था। आपको भी पता है कि बहुत सारे कॉलेज ऐसे थे जो कि घर बैठे डिप्लोमा की डिग्री प्रोवाइड करा रहे थे। इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, एजुकेशन क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए डी फार्मा एग्जिट एग्जामिनेशन लगा दिया गया, जिससे आप जो भी बच्चे डी फार्मा कर लेंगे और अब वो डी फार्मा एग्जिट एग्जामिनेशन फाइनल करेंगे तभी उनको लाइसेंस मिल पाएगा। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं कि आखिर रजिस्ट्रेशन एज अ डी फार्मा, जो आप लोग रजिस्ट्रेशन करोगे डी फार्मा एग्जिट एग्जामिनेशन का, वो आखिर कैसे होगा, उसका स्टेप वाइज स्टेप क्या रहेगा। तो देखिए, उसका स्टेप कुछ इस तरीके से रहेगा। पहले क्या करना होगा, आपको डी फार्मा पास आउट करना होगा, ठीक है। डी फार्मा पास आउट करने के बाद आपको जो ट्रेनिंग होती है वो आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। जो भी आपको 500 घंटे की ट्रेनिंग होती है, 500 आवर्स की जो ट्रेनिंग होती है उसको आपको कंप्लीट करना होगा। अब जैसे ही आप लोग 500 घंटे की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद से आपको डी फार्मा एग्जिट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना होगा। यहाँ देखो आप लोग, डी फार्मा एग्जिट एग्जामिनेशन अप्लाई, ठीक है, आपको अप्लाई करना होगा। देन इसके बाद जब आप लोग इसको पास आउट कर लोगे, फिर आपको अब जब आप लोग पास आउट कर लोगे उसके बाद से आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जैसे आप लोग रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दोगे, उसके बाद से आपको क्या होगा, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और इसके बाद से आपके पास ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपका ही लाइसेंस नंबर होता है, क्या होता है, लाइसेंस नंबर होता है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए, हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, वो क्या था, देखिए वो ये था कि आखिर प्रोसीजर क्या है, ठीक है। उससे पहले हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी जो इसकी है वो ये है कि आप लोग इसको 1 ईयर में 2 बार दे सकते हो, ठीक है। 1 ईयर में 2 बार का मतलब ये हुआ कि ये एग्जिट एग्जामिनेशन जो होगा वो पूरे 1 साल में, 1 ईयर में ये 2 टाइम होगा, 2 टाइम यूनिवर्सिटी इसको कंडक्ट करा रही है। और इसके अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, यानी कि अगर आप लोग पहले साल में नहीं 2 बार में दे पाए तो आप लोग दूसरे साल में अप्लाई करो, ठीक है, तीसरे साल में अप्लाई करो, चौथे साल में अप्लाई करो, पाँचवें साल में अप्लाई करो। लेकिन इसके कुछ क्राइटेरिया हैं कि आपको कितने सारे पेपर देने हैं और कैसे आपको इस एग्जामिनेशन को पास करना है, कितने पेपर हैं और कितने कितने घंटे का है, तो अभी उस पर मैं आता हूँ। उससे पहले हम जान उसी पर आ रहा हूँ, यहाँ देखो आप लोग प्रोसीजर क्या है इसका, आप देख लो प्रोसीजर क्या है। देखिए, जो भी इसका प्रोसीजर है वो अभी एग्जिट एग्जामिनेशन को लेकर के OPCI डिसाइड करेगा, ठीक है। इस चीज़ को लेकर कभी जो नोटिफिकेशन आया है, जैसा कि गैजेट जो आया था 24 फरवरी जो गैजेट आया था, उसमें हिसाब से मेंशन था एग्ज़ाम को लेकर के और सेंटर्स को लेकर के, इन सब के मैनेजमेंट को लेकर के अभी कोई भी बात नहीं की गई है। उन्होंने बस इतना बोला है कि जो भी बच्चे अब से, यानी कि 2021 से 2022 जो भी बच्चे अब डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हैं तो उनको अब 24 फरवरी के बाद से एग्जिट एग्जामिनेशन उनको देना होगा, ठीक है दोस्तों। जो भी एग्ज़ाम को लेकर के और सेंटर को लेकर के अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है इस चीज़ के बारे में। तो चलिए हम जानते हैं आगे कि कितने सारे इसके पैटर्न क्या हैं। देखिए, पैटर्न बड़ा ही सिंपल है इसका, पैटर्न है MCQ बेस्ड है, यानी कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलेंगे और इस पर आपको पेपर देना होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। यानी कि सही गलत जो बोलते हैं, सही गलत का जो ट्रिक करने का आता है उसको बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हम बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं। तो सब्जेक्ट जो होने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के, वो कुछ इस तरीके से होने वाले हैं। आप लोग देखो, जो भी आप लोग सब्जेक्ट पढ़ोगे अपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में,
ओके दोस्तों, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में यहाँ पे देखो ऑल सब्जेक्ट्स इसके अंदर इंक्लूड है फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, और इसके बाद से इसमें ज्यूरिसप्रूडेंसी है, ज्यूरिसप्रूडेंसी जो कि सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है, फिर है ड्रग स्टोर एंड मैनेजमेंट, उसके बाद से क्लिनिकल फार्मेसी, ठीक है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ठीक है। तो इतने सारे एग्जामिनेशन, इतने सारे पेपर्स का होगा, ठीक है, इसका एग्जामिनेशन, और इसके 3 आवर्स के हर एक पेपर होंगे, क्या होंगे इसके 3 पेपर होंगे इसके एक दिन में, और तीनों पेपर जो होंगे दोस्तों वो 3-3 घंटे के होंगे, 3-3 घंटे के होंगे, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पर लिखा है 3 पेपर होंगे और ईच जो होगा वो 3 आवर्स का होगा, ठीक है, और तीनों पेपर को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास करना होगा, यानी कि जब आप लोग 3 पेपर दोगे तो इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास करना होगा। ऐसा नहीं कि एक बार में आप लोग 2 एग्ज़ाम दे रहे हो और आप एक ईयर में 2 एग्ज़ाम दे रहे हो और 2 एग्ज़ाम में सोच रहे हो कि मैं एक पेपर इसमें पास कर लूँगा 50% मार्क्स से, एक पेपर इसमें कर लूँगा, तो ऐसे नहीं होगा, ये गलत मेथड आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। अगर आपको डिफार्मा एग्जिट एग्जामिनेशन पास करना है तो 3 पेपर होंगे, ठीक है, 3-3 घंटे के होंगे, 50% मार्क्स आपको मिनिमम लाने हैं, तब जाके आप पास आउट होगे, तब जाके आप लोग पास माने जाओगे। आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आई होप मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ आपको क्लियर ज़रूर हो रही होंगी, यानी कि 3 पेपर होंगे, 3-3 घंटे के होंगे, उसमें आपको 50% मार्क्स लाने ही होंगे। उसके बाद से हम बात करें इसके लैंग्वेज की, तो देखो दोस्तों लैंग्वेज बड़ा ही सिंपल है, लैंग्वेज जो है दोस्तों वो इंग्लिश होने वाला है, ठीक है। अब देखिए मैं लैंग्वेज इसमें क्यों इंक्लूड किया हूँ, वो इसलिए कि बहुत सारे बच्चे, मैंने बहुत सारे बुक्स देखी हैं, क्योंकि मैं भी एक डिप्लोमा इन फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ डिप्सार में। अब जो लोग मेरे चैनल पर होंगे उनको पता होगा मैं डिप्सार का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, डिप्लोमा इन फार्मेसी में वहाँ से कर रहा हूँ, और मैंने एडमिशन 2021 सेशन में लिया, ठीक है, तो मुझे भी डिप्लोमा इन फार्मेसी का एग्जिट एग्जामिनेशन देना होगा। तो मैंने बुक्स देखे थे, मेरे भी कॉलेज में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिनको कि हिंदी की बुक उनके पास है, ठीक है। तो देखिए हिंदी की बुक्स अगर लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे उनको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी डिफार्मा एग्जिट एग्जामिनेशन देने में, क्योंकि यहाँ पे उनको इंग्लिश में एग्जामिनेशन देना होगा। मैं आपको ये बोलूँगा कि आप लोग अभी से इंग्लिश एग्जामिनेशन अभी से आप लोग इंग्लिश में ज़रूर पढ़ो, क्योंकि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, मैं भी एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ तो मुझे भी समझ में आती है, इतना कोई हार्ड नहीं है, ठीक है दोस्तों। आप लोग इसमें एक नोटिस कर रहे हो, चीज़ जो आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, वो आपको इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है, यानी कि आपको HFP नहीं पूछेगा डिफार्मा एग्जिट एग्जामिनेशन में। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम, अब ये तो हो गई मैंने सारी आपको जानकारी बता दी कि कैसे करना है, कितने सारे एग्जामिनेशन होने वाले हैं, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। अब सबसे जो ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है वो ये है कि एग्जिट एग्जामिनेशन कब होगा। देखिए एग्जिट एग्जामिनेशन को होने के लिए अभी कोई भी एग्जिट एग्जामिनेशन के लिए PCI के थ्रू अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, वो लोग अभी इसका मैनेजमेंट कर रहे हैं, और जैसे ही अभी बीच में कुछ एक सर्कुलेशन जारी हो रहा था जिसमें कि क्या किसी जो गैजेट आया था उसको एडिट करके और बहुत सारे बच्चे ने इसको डाल दिया था, और ये बोल रहे थे उसमें कि जुलाई से एग्जामिनेशन होगा, वो नोटिस पूरी तरीके से फेक थी दोस्तों, ठीक है, उस पर आपको विश्वास नहीं करना है। ऑफिशियल कोई नोटिस अभी नहीं आई है कि डिफार्मा एग्जिट एग्जामिनेशन कब होगा। एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डिफार्मा जो एग्जिट एग्जामिनेशन है वो 2022 में ही, ठीक है, लास्ट में 2022 लास्ट में, या तो 2023 के फर्स्ट में, यानी कि जनवरी फरवरी से ये लागू कर दें लोग, ठीक है दोस्तों, जनवरी या फरवरी से इस चीज़ को ये लोग लागू कर सकते हैं। ये मैं एक्यूरेसी नहीं बता रहा हूँ, ना कि ऐसा कोई न्यूज़ है, मैं बस एक अंदाज़ा लगा के बता रहा हूँ, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब बहुत सारे बच्चों के सवाल हैं कि आखिर जो 2021 में और 2022 में जिन्होंने भी एडमिशन लिया है तो क्या उनको एग्जिट एग्जामिनेशन देना होगा। तो देखिए जिन्होंने भी 2021 में दिया हो, 2021 में एडमिशन लिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि मैंने लिया है, ठीक है, तो मुझे एग्जिट एग्जामिनेशन देना होगा, यस मुझे देना होगा एग्जिट एग्जामिनेशन, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट अब से एडमिशन लेंगे, यानी कि जो 2022 में लेंगे, तो उनके लिए भी अब एग्जिट एग्जामिनेशन देना ही होगा, तो आप लोग सब कुछ सोच समझ के लीजिएगा। और मैं आपको बता दूँ डिफार्मा को जो एग्जिट एग्जामिनेशन है वो केवल और केवल डिफार्मा स्टूडेंट को ही देना है, बी फार्मा वालों को नहीं देना है, अगेन बी फार्मा वालों को नहीं देना है, ठीक है, केवल डिफार्मा वालों को देना है, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बात करते हैं कि अब जो बच्चे 2020 में एडमिशन लिए थे और 2022 में उनका फाइनल हो गया, यानी कि 2022 में ये जो मैं वीडियो बता रहा हूँ तो इस सेशन में फाइनल हो गया है, तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ आप लोग जा करके जल्दी से जल्दी, आप लोग अगर डिफार्मा एग्जिट एग्जामिनेशन नहीं देना चाहते हो, आप लोग जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट करवा लो, ठीक है, जिससे कि आपको लाइसेंस मिल जाए। अगर आप लोग थोड़ा सा लेट करोगे तो डिफार्मा एग्जिट एग्जामिनेशन लागू हो जाएगा, तो आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे हाउ टू प्रिपेयर,
ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि हम प्रिपेयर कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है इसको प्रिपेयर करने के लिए। जो भी आप लोग सेकेंड ईयर में जो भी आप लोग पढ़ोगे उसको आप लोग अच्छे से पढ़ो। जैसे आप लोग सेशनल एग्ज़ाम पास करते हो, एग्ज़ाम पास करते हो डिफार्मा का फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का, ठीक है, वैसे ही आप लोग इसको भी पास कर लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो जितना आप लोग पढ़ते हो, ठीक है, उतना आप लोग पढ़ाई करो, अभी से नोट्स बनाते चलो, प्रिपरेशन करते चलो, बहुत ईजी आराम से हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये सारा प्रक्रिया है। अब आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में देखिए जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी जी। फार्मा एग्जिट एग्जामिनेशन को लेकर के, अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा फार्मा व्यू का चैनल है, तो यहाँ पर मैं हर एक जानकारी शेयर करता हूँ और भविष्य में ऐसे ही कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मैं जॉब से रिलेटेड भी जानकारी प्रोवाइड करा सकूँ। तो आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है दोस्तों, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे डी फार्मा से रिलेटेड। तो चलिए मिलते हैं मैगले से और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ, हैव अ गुड डे। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।